सो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। सो गाइस देखो, इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को कुछ ऐसे प्लेसेस बताऊंगा जहाँ पे गाइस आप लोग मतलब वॉल के पीछे भी मार सकते हो। तो गाइस देखो, सबसे पहला जो प्लेस है वो है इधर गाइस हैंगर में। सो गाइस देखो, अगर इस राउंड में इस बॉक्स के पीछे अगर कोई बंदा रहता है ना, तो गाइस इधर से आप लोग इजीली मार सकते हो और सामने वाला बंदा सोचेगा भी नहीं कि वो मर गया। तो गाइस देखो, सेकंड नंबर जो राउंड है वो है मार्स इलेक्ट्रिसिटी में। सो गाइस देखो, बहुत टाइम क्या होता है इस बॉक्स के पीछे बंदा रहता है, तो गाइस इजीली आप लोग इधर से स्कोप करके सामने वाले बंदे को मार पाओगे और उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे मर गया। तो ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा जगह है, जो जो मैं जगह बोल रहा हूँ ना उधर का। इस बहुत टाइम क्या होता है सीएस रैंक अगर आप लोग खेलते हो या फिर 4v4 लिमिटेड कस्टम खेल लो, अनलिमिटेड कस्टम खेल लो, तो बंदा उधर रहते ही रहते हैं। जैसे गाइस देखो, सामने एक बंदा है तो वो कवर लेने के लिए बॉक्स के पीछे, बट गाइस अभी देखो क्या होगा, उस बॉक्स के मिडिल में जो होल है गाइस देखो, मैं उधर से मारूंगा और सामने वाला बंदा देखो कैसे मर जाएगा। देखो गाइस इधर से रेडे मार है, तो गाइस देखो इजीली मैं इधर से फुटबेकर से डैमेज दे रहा हूं और उसको पता भी नहीं लग रहा है कि वो कैसे मर गया। देखो गाइस कैसे मैं इजीली राउंड जीत गया। तो गाइस आप भी ऐसा कर सकते हो। इसके बाद गाइस देखो, जो थर्ड नंबर प्लेस है वो है कातुली सीवा में। और बाय द वे गाइस, आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस फटाफट लाइक कर दो और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और गाइस देखो, इधर जो बॉक्स के बीच में जो होल है, इधर अगर कोई बंदा कवर लेने के लिए आता है ना, तो भी गाइस आप लोग इधर से इजीली मार सकते हो और सामने वाला बंदे को पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे मर गया। तो गाइस देखो कैसे इजीली मैं ये राउंड भी जीत चुका हूं। सो गाइस देखो, जो फोर्थ नंबर प्लेस है वो है इधर नूरेक डैम में। तो गाइस इधर से तो बंदा आता ही आता है, तो गाइस देखो जब भी कोई बंदा इधर से आएगा ना, तो गाइस इसका पैर दिखेगा जो वो कैसे मैं मार रहा हूं। तो इधर से आप लोग इजीली मार सकते हो। मैंने दो AWM का शॉट मारा और उसको पता भी नहीं चला कि वो कैसे मर गया। तो गाइस देखो, और एक बंदा भी उधर जा रहा है। तो गाइस देखो मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे इधर स्कोप कर रहा हूँ और जब भी मेरा रेड एम आ रहा है ना, मैं फायर कर दे रहा हूँ, तो इससे उसको डैमेज लग जा रहा है। और गाइस देखो क्या होगा, अभी मैं फिर से मतलब एम करता हूँ उसके ऊपर और देखो गाइस रेड एम आ रहा है। मैंने एक मारा 150 और एक मारूंगा तो बंदा मर जाएगा और उसको पता भी नहीं चल रहा है कि उसको डैमेज कहाँ से लग रहा है। देखो कैसे ग्लू वॉल लगा रहा है, तो उसको तो पता नहीं। मैं इधर से मार रहा हूँ और एक देखो लगा और ये 150 में खत्म हो गया। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा जगह है यार, इधर से आप लोग नूरेक डैम वाला राउंड इजीली निकाल सकते हो इधर रह के। इसके बाद गाइस देखो, जो फिफ्थ नंबर प्लेस है वो है ऑब्जर्वेटरी में। देखो ऑब्जर्वेटरी का ये जगह तो आपको पता ही है, बहुत सारे प्लेयर इधर कवर लेने के लिए आते हैं इस बॉक्स के पीछे। तो गाइस देखो, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से इसके मतलब ये जो दोनों बॉक्स है ना, इसके पीछे गाइस आप लोगों को गैप मिलेगा, मतलब इन दोनों के बीच में एक गैप मिलेगा। उधर गाइस आप लोगों को सिंपली स्कोप करना है, स्कोप खोल के गाइस आप लोग इजीली मार सकते हो। जैसे गाइस देखो, मैंने हेडशॉट मार दिया और उसको पता भी नहीं चला कि मतलब मैं सामने से ही उसको मार दिया। वो सोचा कि वो कवर में है, बट नहीं भाई, वो कवर में नहीं है, थोड़ा सा गैप दिख रहा था, उधर से मैंने उसको मार दिया। और हाँ गाइस देखो, मैं आप लोगों को और एक चीज भी बताना चाहता हूँ। देखो गाइस, कुछ दिनों से मेरा चैनल डाउन चल रहा है, तो गाइस हो सके तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और हो सके तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी गाइस जरूर से कर देना। इसके बाद गाइस देखो, जो सिक्स नंबर प्लेस है वो है मील का राउंड। देखो गाइस, मील का राउंड में तो आपको पता ही है इधर कितने सारे बंदे कवर लेते हैं। तो गाइस इधर से गाइस देखो, बीच में जो गैप है, इधर से भी गाइस आप लोग इजीली मार सकते हो और सामने वाले एनिमी को पता भी नहीं चलेगा। वो सोच रहा होगा कि वो कवर में, बट वो नहीं है भाई। देखो गाइस, मैंने कैसे इजीली दोनों बंदे को इधर मार दिया। इसके बाद गाइस देखो, जो सेवन नंबर प्लेस है वो है इधर, कौन सा राउंड है भाई, सेंदोसा का राउंड है। अच्छा, और देखो गाइस ये राउंड भी बहुत ही ज्यादा ओपी है। देखो गाइस, सामने अगर कोई बंदा होगा तो गाइस उसका पैर इजीली दिखेगा। गाइस देखो गाइस, मैं कैसे AWM से मार रहा हूं, उसका पैर दिखा और मैं दो AWM से उसको नॉक कर दिया। भाई बंदा लिटरली सोच भी नहीं पाएगा भाई, आप लोगों को हैकर बोलेगा सामने वाला बंदा, मतलब जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा होगा वो सोचेगा भाई सामने वाला बंदा पक्का हैकर होगा, वॉल के आर पार मार रहा है। बट आप लोग हैकर नहीं हो भाई, आप लोग ट्रिक का यूज कर रहे हो, जो कि गाइस मैंने आप लोगों को बोला। तो गाइस इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज लाइक कर देना आज की इस वीडियो का। जो लाइक एम रखते हुए 6000 लाइक, फटाफट 6 के लाइक जरूर से करा देना। और एक बंदा है, इसको भी गाइस मैं मारने का ट्राई करता हूँ। देखो गाइस, एक 150 मारा, सामने वाला बंदा तो यार लिटरली शॉक हो गया, कंफ्यूज हो गया कि कैसे मतलब उसको डैमेज पड़ रहा है। तो गाइस देखो, वो ग्लू वॉल लगा रहा है बट फिर भी मेरे हाथों बच नहीं पाया। और देखो गाइस, मैं इधर से रेड एम का वेट कर रहा हूँ और मेरा रेड एम आया और गाइस देखो मैंने कैसे इजीली इसको मार दिया। इसके बाद गाइस देखो, जो आज का जो लास्ट नंबर प्लेस है, 8 नंबर जो प्लेस है वो इधर क्लॉक टावर में। देखो गाइस, क्लॉक टावर के मतलब ऊपर एक बंदा रहता है जो कि गाइस आप लोग का वेट करता है कि आप लोग सीढ़ी से आओगे और वो मारेगा। बट आप लोग इधर से कूद कूद के उसको इजीली मार सकते हो। सिर्फ गाइस आप लोगों को कोई भी मतलब लॉन्ग रेंज गन चाहिए इजीली मारने के लिए उसको, जैसे गाइस मैं फुटबेकर के यूज कर रहा हूँ। और गाइस देखो, वो बंदा सीधा खड़ा है और मैं इधर से स्कोप खोल के कूद कूद के मार रहा हूँ और देखो एक शॉट लगेगा और वो बंदा भी खत्म हो गया। सो आप लोग क्लॉक टावर में इस ट्रिक का जरूर से यूज कर सकते हो। और हाँ गाइस, और एक बोनस प्लेस भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चलो जो जो मेरे वीडियो पूरा एंड तक देख रहे हो उनको भी पता चलेगा। तो गाइस देखो, फैक्ट्री का राउंड में ये जो बॉक्स होता है ना, इधर से भी गाइस आप लोग स्कोप खोल के इजीली मार सकते हो। गाइस देखो, मैं जैसे कर रहा हूँ आप लोग सेम टू सेम वैसा कर सकते हो। जब भी गाइस आपका रेड एम आएगा, आप लोग फायर कर देना और सामने वाला बंदा नॉक हो जाएगा। और ये प्लेस गाइस जो जो मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखते हैं उनको ही पता चलेगा, तो इसलिए मैं बोलता हूँ गाइस वीडियो आप लोग पूरा एंड तक देखो। देखो गाइस, देखो मैं जैसे स्कोप कर रहा हूँ, इधर से आप लोग इजीली जब आपका रेड एम आएगा तो गाइस सामने वाले एनिमी को मार सकते हो, वो अगर बॉक्स के पीछे हुआ तो। और बाय द वे गाइस, यही कुछ ट्रिक था जो प्लेसेस था मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग गाइस जरूर से फॉलो करना, सीएस रैंक में फॉलो करना, कस्टम में फॉलो करना,
44 लिमिटेड में फॉलो करना और सामने वाले एनिमी को डायरेक्ट चौंका देना, और वो लोग सोचेगा भाई हैकर हो आप लोग। और बाय द वे ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से ऑन कर देना, अपने हर एक दोस्त के साथ प्लीज शेयर कर देना। और हाँ गाइस देखो, अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हो तो गाइस मेरे को फटाफट इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लेना। और गाइस देखो, अगर आप लोगों को क्लैश कॉड रैंक का कुछ सीक्रेट प्लेसेस के बारे में जानना है ना तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, या फिर गाइस अगर आप लोगों को वन टैप हेडशॉट टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो गाइस आप लोग फटाफट लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो।